रितेश पांडे की सगाई जब हुई और तस्वीरें जब बाहर आईं तो सबका यही सवाल था कि कौन है ये लड़की जो रितेश की जीवन संगनी बनने वाली है, क्या है इसका नाम और क्या करती है। तो अब तक तो इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब है। जी हाँ, हम आप सभी को इस वीडियो में रितेश की होने वाली पत्नी के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, जिसके बारे में आप सबको कुछ भी नहीं पता है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप सभी चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो रितेश पांडे ने 8 मार्च को सगाई रचाई और इनकी होने वाली पत्नी का नाम वैशाली पांडे है। वैशाली बनारस की ही रहने वाली हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। वैशाली को घर में सभी प्यार से गुड़िया कहकर बुलाते हैं। इन सब के अलावा वैशाली को किताबें पढ़ना, नई नई चीजें सीखना, पेड़ पौधों का ख्याल रखना और एनिमेशन बनाने का भी शौक है। इन दोनों की शादी है तो अरेंज मैरिज, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और दोनों इस शादी से बहुत खुश भी हैं। सगाई के बाद वैशाली ने इस तस्वीर को अपलोड कर कैप्शन लिखा, द बिगिनिंग ऑफ फॉर एवर #engagedwithmylove रितेश पांडे। वैशाली के इस कैप्शन से ये साफ साफ पता चलता है कि ये रितेश को कितना पसंद करती हैं। वैशाली अपने माता पिता की भी लाडली हैं और माँ की जान हैं। वेल, जल्द ही रितेश वैशाली को दुल्हनिया बनाकर अपने घर ले जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोनों को हल्दी लग चुकी है और वो दिन अब दूर नहीं जब रितेश पांडे दुल्हा बने नजर आएंगे। आप सभी रितेश की हल्दी की रस्म की तस्वीरें देख सकते हैं। वेल, तो हमने आप सबको रितेश की होने वाली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। आप सबको वैशाली कैसी लगती है बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।